रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। स्टार अमेजन नेटफ्लिक्स के दर्शकों के लिए बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है नोटिस। मनोरंजन की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड का अपना एक मुकाम है। हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे मनोरंजन के साधन लोगों को पसंद आ रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्मों या वेब सीरीज पर गाली गलौज, अश्लीलता आम बात हो गई है। इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने की याचिका दायर की थी, लेकिन खारिज इसे कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार के कंटेंट को नियमित करने की बात कही। और एक ट्वीट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन प्लेटफॉर्म पर चल रहे कंटेंट को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात कही है। और इस मामले में एक NGO ने प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नियंत्रण नहीं होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर डर और अश्लीलता परोसा जा रहा है। धर्म और नैतिकता के साथ जुड़ी चीजों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इन वेब सीरीज और फिल्मों के माध्यम से भारतीय दंड संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे प्रावधानों का खुलकर हनन हो रहा है। इस वजह से इस मनोरंजन साधनों को हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर लोग जो निर्भर हो गए हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए ये बात कही गई है। बता दें कि हिंदी फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सुपरहिट वेब सीरीज क्रेडिट गेम्स इन दिनों पार्ट 2 के कारण चर्चा में है। और इसी वजह से आपत्तिजनक कंटेंट को जब परोसा जा रहा है तो सरकार की तरफ से आ गया है बड़ा अपडेट। और उन्होंने कहा है कि इस चीज को हटाया जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए और लग सकती है इस पर रोक। तो दर्शकों के लिए आ गई है पूरी खबर, लेकिन आगे क्या होगा जानने के लिए आप देखते रहिए HJ न्यूज। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।